ये कहानी एक खूबसूरत राजकुमारी की है जो बाकी राजकुमारी की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। ना ही वो गुस्सैल स्वभाव की थी, ना ही घमंडी। हालांकि बेशकीमती कपड़ों और आभूषणों की कमी नहीं थी, पर उसे साधारण जीवन जीना पसंद था। कुछ ऐसी थी राजकुमारी वैशाली। राजकुमारी वैशाली जहाँ भी जाती अपने संग अपनी खास दासी फुलवा को लेकर चलती। वो उसे अपने दिल की सारी बात बताया करती थी। वो फुलवा को दासी कम बल्कि अपनी एक अच्छी सहेली मानती थी। फुलवा, एक तुम ही हो जिसे मैं अपनी हर बात बताती हूँ। माँ के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। राजकुमारी, आप दुखी मत हो, मैं हूँ ना आपकी सखी। चलिए बैठिए, मैं आपके बाल सवार देती हूँ। फुलवा थी तो राजकुमारी की दासी, लेकिन असल में वो लालची और कपटी थी। बस मुझे सही मौके की तलाश है, फिर मैं इन दोनों जादू लिपस्टिक का प्रयोग राजकुमारी वैशाली पर करूंगी और मेरी किस्मत पलट जाएगी, जिसका इंतजार मैं इतने समय से कर रही हूँ। दरअसल फुलवा के पास दो जादुई लिपस्टिक थी जो उसकी जादूगरनी मौसी ने दी थी, जिसका प्रयोग करते ही चेहरे की अदला बदली हो सकती थी। एक दिन राजा सूर्य प्रताप सिंह अपनी बेटी वैशाली से मिलने उसके कमरे में गए और बोले, राजकुमारी वैशाली, मैंने तुम्हारी शादी पड़ोसी राज्य के राजकुमार रुद्र के साथ तय कर दी है। पिताजी, आप मुझसे बिना पूछे मेरी शादी का फैसला कैसे ले सकते हैं? बेटी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, पड़ोसी राज्य के राजा मेरे मित्र हैं। मैं उनका प्रस्ताव कैसे ठुकरा सकता था। उनका बेटा राजकुमार रुद्र आपसे एक बार मिलना चाहता है। पर पिताजी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उससे मिलने में। हा? मैं खुद तय करना चाहती हूँ कि मैं किससे शादी करूँगी। राजकुमारी, ये मेरी आज्ञा है, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो मेरे पड़ोसी राज्य से संबंध टूट जाएंगे। समझ रही हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ। राजकुमारी वैशाली दुखी होकर अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तभी वहाँ उसकी दासी फुलवा आई और बोली, क्या हुआ राजकुमारी, आप रो क्यों रही हो? पिताजी ने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है राजकुमारी, आप बहुत जल्द दुल्हन बनने वाली है, आपको तो खुश होना चाहिए। फुलवा, मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कौन है वो राजकुमारी? मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर मैं जब छोटी थी एक बार नदी किनारे खेल रही थी, तभी मेरी मुलाकात उससे हुई। उसने मुझे नदी में डूबने से बचाया था। उसके बाद हमारे बीच गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन कुछ समय बाद उसने नदी किनारे आना छोड़ दिया। निशानी के तौर पर मेरे पास बस उसकी दी हुई ये मोतियों की ब्रेसलेट है। मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं वो इस वक्त कहाँ है। अब तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाऊंगी। राजकुमारी, अगर आपकी मुलाकात उस युवक से हो भी गई, तो ये जरूरी तो नहीं वो भी आपसे उतना ही प्रेम करता है जितना कि आप उससे करती हैं। और वैसे भी क्या पता जिससे आप प्रेम करती हैं वो गरीब घर से हुआ तो? मुझे पूरा विश्वास है वो भी मुझे उतना ही याद करता होगा जितना कि मैं उसे। चाहे वो अमीर हो या गरीब, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजकुमारी वैशाली की बात सुन फुलवा मन ही मन बोली, कितनी बेवकूफ राजकुमारी है। अगर मैं राजकुमारी की जगह होती तो मैं राजकुमार से ही शादी करती। शादी का दिन नजदीक आने ही वाला था। राजकुमारी वैशाली अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी, तभी पड़ोसी राज्य से एक संदेश आया। राजकुमार रुद्र शादी से पहले एक बार उनसे मिलना चाहते थे। राजकुमारी वैशाली, राजकुमार रुद्र आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपके लिए शाही रथ भिजवाया है, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। पर पिताजी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहने सुनने के लिए अब कुछ नहीं बचा, ये हमारे मान सम्मान की बात है। ना चाहते हुए भी राजकुमारी वैशाली शाही रथ पर बैठ गई। उसकी दासी फुलवा भी उसके साथ थी। मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं अपना पूरा जीवन ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं बिता सकती जिसे मैं जानती तक नहीं। मैं ना चाहते हुए भी राजकुमार से मिलने तो जा रही हूँ, लेकिन कोई रास्ता है कि मैं इस शादी से बच सकूँ? ये सही मौका है अपना जादू लिपस्टिक इस्तेमाल करने का। फिर मेरी शादी राजकुमार से होगी और मैं महलों की रानी बनकर राज करूंगी। फुलवा, क्या सोचने लगी, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, क्या तुम कोई रास्ता निकाल सकती हो? राजकुमारी, अगर आप ये शादी नहीं करना चाहती तो मेरे पास एक तरकीब है। तो जल्दी बताओ फुलवा। मैं आपकी जगह राजकुमार रुद्र से शादी करूंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। पर ये कैसे संभव है? फुलवा अपने पास रखी दो जादुई लिपस्टिक दिखाते हुए राजकुमारी से बोली,
देखिए मेरे पास तो जादू लिपस्टिक है जो मेरी जादूगरनी मौसी ने दी थी। इन दोनों का इस्तेमाल एक साथ करके हम आपस में अपना चेहरा बदल सकते हैं। क्या सच में? तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। राजकुमारी वैशाली खुशी खुशी फुलवा की बात से सहमत हो गई। फिर दोनों ने एक साथ जादू लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाया। लिपस्टिक लगाते ही एक चमत्कार हुआ और दोनों के चेहरे आपस में बदल गए। अरे फुलवा, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही हो। और आप राजकुमारी, आपका चेहरा भी बदल गया। अब आप राजकुमारी नहीं बल्कि दासी फुलवा बन गई हो, और ये सब इन दो जादू लिपस्टिक का कमाल है। फुलवा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्र है, अब राजकुमार से मेरी शादी नहीं होगी। इसमें धन्यवाद कैसा राजकुमारी, आपने जैसा कहा मैंने किया। ये कहते हुए फुलवा मन ही मन मुस्कुराने लगी, क्योंकि सब कुछ उसके योजना अनुसार हो रहा था जैसा कि वो चाहती थी। लेकिन राजकुमारी वैशाली इस बात से बेखबर थी। फिर जब वो दोनों पड़ोसी राज्य के महल में पहुँचे, राजकुमार रुद्र उनके स्वागत में खड़ा था। जब वो दोनों रथ से उतरी तो सभी को सब कुछ सामने लगा। सबको लगा फुलवा ही राजकुमारी वैशाली है। राजकुमारी वैशाली, मेरे राज्य में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार रुद्र हूँ, आप सच में बहुत ही खूबसूरत हैं। धन्यवाद राजकुमार, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरे पास आपके लिए एक सुंदर सा उपहार है। ये कहते हुए राजकुमार रुद्र हीरो जड़ित सैंडल फुलवा को देते हुए बोला। राजकुमारी वैशाली, उम्मीद करता हूँ ये सैंडल आपको पसंद आएगी। क्या मैं आपको सैंडल खुद अपने हाथों से पहना सकता हूँ? राजकुमार रुद्र ने फुलवा को जैसे ही सैंडल पहनाने की कोशिश की, तब उसकी नज़र फुलवा के पैरों की फटी हुई एड़ियों पर गई। ये देख राजकुमार चौंक गया। अरे ये क्या राजकुमारी, आपकी एड़ियाँ तो बहुत ही फटी हुई है। राजकुमार की बात सुन फुलवा ने अपने पैर छुपा लिए। राजकुमार, दरअसल मैं नंगे पांव अक्सर बगीचे में टहलती हूँ, इसलिए मेरे पैरों की हालत ऐसी हो गई है। लेकिन आप चिंता मत करिए, जल्दी मेरी फटी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। ओह कोई बात नहीं राजकुमारी, जब आपकी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी तब आप इस सैंडल को पहन लेना। अब आप काफी थक गई होंगी, चलकर कमरे में विश्राम कर लीजिए। फुलवा ने मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र को अलविदा कहा और राजकुमारी वैशाली के साथ कमरे में लौट आई। कमरे में जाते ही दोनों ने राहत की सांस ली। शुक्र है फुलवा, तुमने राजकुमार के सामने सब कुछ संभाल लिया, नहीं तो सारा राज खुल जाता। ये तुम क्या कह रही हो, सोच समझ कर बात करो। अब तुम दासी हो और मैं राजकुमारी, दूसरों को इस राज के बारे में पता ना चले, समझ गई? हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी राजकुमारी वैशाली। ठीक है, अब चलो इन सैंडल को पहनने में मेरी मदद करो। राजकुमारी ने सैंडल फुलवा के पैरों में पहनाने की कोशिश की, लेकिन फटी एड़ी के कारण उसके पैरों में दर्द होने लगा। तुम्हें ये सैंडल नहीं पहनना चाहिए, जब तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे तब पहन लेना। अपनी सलाह अपने पास रखो, मुझे सैंडल किसी भी कीमत पर पहनना है। तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने आप पहन लूँगी, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करती। राजकुमारी वैशाली उदास होते हुए कमरे से बाहर चली गई। तभी उसके पास रखा मोतियों का ब्रेसलेट वही गिर गया, जिसे देख फुलवा बोली, अरे लगता है ये वही मोतियों का ब्रेसलेट है जो वो हमेशा अपने साथ रखती है। अब जबकि मैं राजकुमारी हूँ तो ये ब्रेसलेट अब मेरा है। अगली सुबह राजकुमार रुद्र राजकुमारी वैशाली यानी फुलवा को महल के बगीचे में टहलने के लिए ले गया। उस समय फुलवा ने सैंडल पहने हुए थे, जिस कारण उसे ढंग से चला नहीं जा रहा था। अचानक वो लड़खड़ाकर गिर गई और उसने अपने पास छुपाकर जो मोतियों का ब्रेसलेट रखा था वो जमीन पर गिर गया। राजकुमार रुद्र ने तुरंत ब्रेसलेट को उठाया और खुश होते हुए बोला, ये ब्रेसलेट आपके पास कैसे? ये तो मैंने कई सालों पहले अपनी प्यारी सी दोस्त को उपहार स्वरूप दिया था। इसका मतलब आप? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप वही हैं, मेरी प्यारी सी दोस्त। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता, मैंने आपको हर जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन पता नहीं था आप मुझे इस तरह मिलेंगी। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ मेरी प्रिय। अच्छा तो ये ब्रेसलेट राजकुमार रुद्र ने राजकुमारी को दी थी, मतलब ये वही युवक है जिसके बारे में राजकुमारी बातें किया करती थी। पास खड़ी ये बातें सुन राजकुमारी वैशाली भी हैरान थी, पर कुछ कह नहीं पाई। राजकुमारी वैशाली, क्या आपको याद है आपने मुझे बदले में क्या उपहार दिया था? हाँ मुझे याद है, शायद मैंने आपको सोने का ब्रेसलेट दिया था या फिर सोने की अंगूठी। लगता है तुम भूल गई, खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है। राजकुमारी वैशाली राजकुमार रुद्र की ओर देखी जा रही थी।
ये दासी मुझे ऐसे क्यों देख रही है? इसे देखकर ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे अच्छे से जानता हूँ? थोड़ी देर बाद कमरे में वापस लौटकर राजकुमारी वैशाली फुलवा से बोली, फुलवा मेरी बात सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फुलवा बोलने की? मैं राजकुमारी वैशाली हूँ। फुलवा तुम्हें सुनना होगा क्योंकि मैं राजकुमारी वैशाली हूँ, तुम नहीं। मैं अपने असली रूप में वापस आना चाहती हूँ क्योंकि राजकुमार रुद्र वही है जिसकी तलाश मैं इतने सालों से कर रही हूँ। बेवकूफ राजकुमारी, अब तो सदा के लिए दासी ही रहेगी और मैं राजकुमारी वैशाली रहूँगी। राजकुमार रुद्र की शादी अब मुझसे होगी। फुलवा की बात सुन राजकुमारी गुस्से से उसके तरफ बढ़ी। दुष्ट फुलवा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। सैनिकों जल्दी यहाँ आओ, और इस दासी ने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, जल्दी से इसे जेल में डाल दो। फुलवा का आदेश पाते ही सैनिकों ने वैशाली को पकड़कर जेल में डाल दिया। मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने भी वैशाली की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उधर फुलवा अपने षड्यंत्र को आखिरी अंजाम तक पहुँचाने के लिए राजकुमार रुद्र के पास रोते हुए गई। राजकुमार आपसे विनती है, कृपया कर दुष्ट दासी को फांसी देने का आदेश दे। लेकिन राजकुमारी वैशाली, मैंने तो सुना था कि वो आपकी खास दासी है। वो दासी पहले जैसी नहीं रही, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे ऐसी दासी की जरूरत नहीं। कृपया जैसा मैंने बोला है वैसा करें, उसे तुरंत फांसी पर लटका दो। फुलवा की बात सुन राजकुमार रुद्र सोच में पड़ गया। जहाँ तक मुझे पता है ये दासी राजकुमारी के साथ काफी लंबे समय से है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजकुमारी वैशाली दासी को मारना चाहती है? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। मुझे एक बार उस दासी से मिलना होगा। सच्चाई का पता लगाने राजकुमार रुद्र जेल में पहुंचा, तब वैशाली उदास बैठी हुई थी। दासी, तुमने राजकुमारी वैशाली को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? राजकुमार रुद्र, ये सच नहीं है, कृपया मेरा भरोसा करें। मुझे फंसाया गया है, सच तो ये है कि मैं राजकुमारी वैशाली हूँ। ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम होश में तो हो? मैं ये साबित कर सकती हूँ कि मैं ही राजकुमारी वैशाली हूँ। बचपन में मैंने आपको मोतियों की ब्रेसलेट के बदले लॉकेट दिया था जिस पर सूरज बना हुआ है। ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? ये तो सिर्फ मैं या फिर राजकुमारी वैशाली ही जानते हैं, लेकिन वो ये बात भूल गई है। राजकुमार मेरा विश्वास करो, मैं राजकुमारी वैशाली हूँ। बचपन में एक साथ बिताए सभी पल मुझे याद है। जिसे आप राजकुमारी वैशाली समझ रहे हैं, दरअसल वो मेरी दासी फुलवा है। जादुई दो लिपस्टिक के कारण हमने चेहरे आपस में बदल लिए, क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। ये कहते हुए राजकुमारी वैशाली ने राजकुमार रुद्र को सब कुछ सच सच बताया। सारी बात सुनने के बाद राजकुमार ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर उसके पास रखा जादुई लिपस्टिक नष्ट कर देता हूँ। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, वो बहुत चालाक है। बस आप देखती जाओ, मैं उसे उसकी जादुई लिपस्टिक निकालने में मजबूर कर दूंगा। तभी तुम भी फौरन अपने पास रखी जादुई लिपस्टिक निकाल कर अपने होठों पर लगा लेना। कुछ देर बाद राजकुमार रुद्र फुलवा के कमरे में गया और उससे बोला, राजकुमारी वैशाली, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। लाल रंग की लिपस्टिक, मैंने ये खास आपके लिए दूर देश से मंगवाया है। ओह, ये मेरे लिए? हाँ राजकुमारी, आपके होठों पर बहुत अच्छी लगेगी। मैं चाहता हूँ आप अभी इस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फुलवा ने लाल लिपस्टिक जैसे ही अपने होठों पर लगाया, उसके होठ जलने लगे। आह, ये मेरे होठों को क्या हो गया, बहुत जलन हो रही है। राजकुमार, मुझे अपनी जादुई लिपस्टिक होठों पर लगानी पड़ेगी। ये कहते हुए फुलवा ने फौरन अपने पास रखा जादुई लिपस्टिक निकाला और अपने होठों पर लगाने लगी। तभी खिड़की के पास खड़ी राजकुमारी वैशाली ने भी उसी समय दूसरी जादुई लिपस्टिक जो उसके पास थी उसे फौरन अपने होठों पर लगाया, और पलक झपकते ही दोनों अपने असली रूप में वापस आ गई। राजकुमारी वैशाली खुशी से फूली न समाई। वही अपनी असलियत सामने आता देख फुलवा वहाँ से भागने लगी। तभी राजकुमार ने सैनिकों को आदेश देकर उसे कारावास में डाल दिया। उसके बाद राजकुमार ने दोनों जादुई लिपस्टिक को तोड़कर नष्ट कर दिया। राजकुमारी वैशाली, क्या अभी आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती, या फिर दोबारा से जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल करना चाहती हैं? नहीं राजकुमार, मेरी तलाश अब खत्म हुई, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं। आपका साथ ही मेरे लिए बहुमूल्य है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। उसके बाद दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुई और वो हंसी खुशी एक साथ रहने लगे।
किसी गांव में सोनिया अपनी माँ सुनीता के साथ रहती थी। सुनीता कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा करती थी। उन्हीं के पड़ोस में चंचल नाम की एक लड़की रहती थी। चंचल अपने माता पिता के साथ रहती थी। चंचल के पिता एक बहुत बड़े अफसर थे। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन चंचल बहुत ही घमंडी और जिद्दी लड़की थी। चंचल और सोनिया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। चंचल अपनी कार से कॉलेज जाया करती थी और सोनिया अपनी साइकिल से। चंचल सोनिया को बात बात पर चढ़ाती रहती थी और हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। सोनिया पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। वहीं दूसरी ओर चंचल हमेशा दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करती रहती थी। एक दिन उनके कॉलेज में सुशांत नाम के एक लड़के ने एडमिशन लिया। सुशांत बहुत ही हैंडसम लड़का था और उसके पिता भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हर एक लड़की उससे दोस्ती करना चाहती थी। सुशांत बहुत ही संस्कारी और नेक दिल का लड़का था। वो पढ़ने में भी बहुत होशियार था। एक दिन सुशांत सोनिया से मिलता है और कहता है, हाय सोनिया, वैसे तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें? धीरे धीरे सोनिया और सुशांत में अच्छी दोस्ती हो जाती है। चंचल भी सुशांत से दोस्ती करना चाहती थी। एक दिन चंचल सुशांत के पास जाती है और कहती है, हाय सुशांत, क्या तुम उससे दोस्ती करोगे? सॉरी, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर सुशांत वहाँ से चला जाता है। तेरी ऐसी की तैसी कमीने, तूने मुझे ना कहा? चल मैं भी देखती हूँ तुम उससे कब तक दोस्ती नहीं करेगा। इसको मेरे जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की कहीं नहीं मिल सकती। देखना, एक दिन अपने आप मेरे पीछे पीछे आएगा। इसी तरह काफी समय बीत गया। चंचल हमेशा सुशांत से बात करने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन सुशांत हमेशा उसको इग्नोर करके चला जाता था। एक दिन चंचल सोनिया और सुशांत को साथ में देख लेती है। अरे, इस पगलेट को ये भिखारी नहीं मिली थी क्या? मैं कब से इससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक यही लड़का है जो मुझे भाव नहीं देता, और इस भिखारिन से देखो कैसे लगा पड़ा है। धीरे धीरे करके सुशांत और सोनिया की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। अब उन लोगों का कॉलेज भी खत्म हो चुका था। सोनिया, अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म हो चुका है, अब समय आ गया है, अब हमें अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बता देना चाहिए। लेकिन सुशांत, आप लोग बहुत अमीर हो और हम गरीब, अगर आपके घर वाले शादी के लिए नहीं माने तो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, उन्हें अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस एक अच्छी बहू चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग मान जाएंगे। उसके बाद दोनों अपने अपने घर में बात करते हैं। दोनों के घर वाले मान जाते हैं। इस तरह उनका रिश्ता भी पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद सोनिया और सुशांत की शादी तय हो जाती है। जब वो बात चंचल को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाती है। क्या इस भिखारिन की शादी सुशांत से हो रही है? मैं किसी भी कीमत पर इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगी। सुशांत से सिर्फ मेरी शादी होगी। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए कैसे शादी होती है। सोनिया की माँ सोनिया के लिए एक बहुत ही सुंदर लहंगा खरीद कर लाती है। तभी वहाँ पर चंचल आ जाती है। अरे चंचल, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, ये देखो मेरी शादी का लहंगा। हाँ बहुत अच्छा है, वैसे मुझे कुछ काम है सोनिया, मैं फिर कभी आती हूँ। इतना कहकर चंचल वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, क्या करूँ मैं ऐसा जो इन दोनों की शादी ना हो? कल इस भिखारिन की शादी है मेरे सुशांत से। रात को चंचल चुपके से सोनिया के घर में जाती है और चुपके से सोनिया के लहंगे में आग लगा देती है। अब देखती हूँ कैसे होती है इस भिखारिन की शादी। अगले दिन सोनिया सुबह अपना लहंगा देखती है। उसका लहंगा जलकर पूरी तरह से राख हो चुका था। देखिए ना माँ, मेरा लहंगा पूरी तरह से जल चुका है, अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? बेटी, मेरे पास अब पैसे भी नहीं है। जो भी पैसे थे मैंने सारे उस लहंगे में खर्च कर दिए, अब दूसरा लहंगा भी नहीं आ सकता। अब हम क्या करेंगे माँ, क्या पहनूंगी मैं अपनी शादी में? थोड़ी देर बाद चंचल वहाँ आती है। अरे सोनिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, तेरी बारात आने वाली है। सोनिया चंचल को सारी बात बताती है। ओहो, ये तो बुरा हुआ तुम्हारे साथ, अब अगर बाहर तुम इस हालत में जाओगी तो सुशांत की बहुत बेइज्जती होगी। क्या तुम यही चाहती हो सोनिया? इससे तो अच्छा होगा कि तुम शादी के लिए मना कर दो।
माँ, अब सिर्फ मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मैं घर से भाग जाती हूँ। अगर बारात आएगी तो आप बोल देना मुझे सुशांत से शादी नहीं करनी। गुस्से में सोनिया वहाँ से चली जाती है। भागते भागते सोनिया एक झरने के पास पहुँचती है और वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। तभी झरने से एक आवाज आती है, बेटी तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सोनिया झरने को सारी बात बताती है। बेटी तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये लो, ये एक जादुई लहंगा है, ये लहंगा तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगा। जल्दी से सोनिया लहंगा पहन लेती है। उसके बाद सोनिया बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। जादुई झरना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे जादुई लहंगे, जल्दी से मुझे मेरे घर पहुँचा दो। जादुई लहंगे की मदद से सोनिया फौरन अपने घर पहुँच जाती है। तब तक बारात भी आ चुकी थी। सुशांत, क्या तुम्हें पता है सोनिया शादी छोड़कर भाग चुकी है? वो तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। यदि तुम्हें यकीन नहीं तो सोनिया की माँ से पूछ लो। माँ जी, क्या चंचल सच बोल रही है? सोनिया की माँ कुछ नहीं कहती और चुपचाप खड़ी रहती है। देखो, अगर बारात खाली हाथ जाएगी तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो। तभी सुशांत के पिता कहते हैं, हाँ बेटा, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हमारी इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथों में है, तुम इस लड़की से शादी कर लो। वैसे भी ये लड़की हमारे स्टेटस की है, हमने तुम्हारी बात पिछली बार मान ली थी, अब तुम हमारी बात मानोगे। अब तुम्हें हमारी इज्जत बचानी होगी बेटा। ठीक है पिताजी, चंचल मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुशांत के मुँह से ये बात सुनकर चंचल बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर सोनिया आ जाती है। रुकिए सुशांत, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चंचल सोनिया का इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत हैरान हो जाती है। तू यहाँ पर क्यों आई है? तू तो शादी छोड़कर चली गई थी ना? नहीं नहीं, मैं भागी नहीं थी, मेरी तबीयत खराब, इसलिए मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने गई थी। अरे ये झूठ बोल रही है, अब सच सच बता, तेरे पास इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आया? कल रात को मैंने तेरा लहंगा जलाकर राख कर दिया था। मैं तेरी शादी सुशांत से नहीं होने दे सकती, सुशांत की शादी सिर्फ मुझसे होगी, सुशांत सिर्फ मेरा है, मेरा। चंचल की ये बात सुनकर सोनिया को गुस्सा आ जाता है और सोनिया चंचल को एक जोरदार चांटा मारती है। मैंने तुझे अपनी सच्ची दोस्त माना, लेकिन तूने मेरे साथ धोखा किया। तभी चंचल गुस्से में पिस्तौल निकाल लेती है। भिखारिन कहीं की, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी जादुई लहंगा चंचल को हवा में गोल गोल घुमा देता है और जमीन पर पटक देता है और उसको रस्सियों से भी बांध देता है। तुम मेरे होते हुए सोनिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, धोखेबाज लड़की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं जादुई लहंगा, मुझे माफ कर दो, सोनिया तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जादुई लहंगे, तुम इसको माफ कर दो। उसके बाद सोनिया अपना जादुई लहंगा अपनी माँ को दे देती है ताकि उसकी माँ को कहीं नौकरी ना करनी पड़े और उनकी सारी जरूरतें पूरी हो सके। अब सोनिया और सुशांत अपने जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगे।